So this is the first lecture of number theory. And to start with, let's start with preliminaries. Most of these things you must be knowing just for the sake of introduction, I'll start. ISCO will define as greatest integer of X. This will give you integral part. If you are having 3.5, it will give you 3. जस्ट लेफ़्ट वाला इंटीजर, ये ठीक है माइनस सेवन पॉइंट फाइव है तो माइनस सेवन पॉइंट फाइव भी जस्ट लेफ्ट में क्या होगा माइनस एट होगा अगर इंटीजर ही आ जाए तो फोर का इंटीगल पार्ट विल बी फोर सेवन का इंटीगल पार्ट विल बी सेवन ये ठीक है माइनस नाइन का इंटीगल पार्ट विल बी माइनस नाइन और से इलेवन पॉइंट टू है तो उसका इंटीगल पार्ट विल बी ठीक है सेकेंड इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स वो क्या हो गया कि एक्स में से जितना भी इंटीग्रल पार्ट निकाल दिया जो बच गया वो फ्रैक्शन पार्ट हो गया तो अगर नंबर इंटीजर है फॉर एग्जाम्पल पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो तो फ्रैक्शनल पार्ट जीरो आएगा ठीक है तो फ्रैक्शन पार्ट इन दोनों का जीरो आएगा अगर नंबर इज़ पॉजिटिव से थ्री पॉइंट टू तो बस इंटीगल पार्ट हटा दो इटवेल्व भी जीरो पॉइंट टू ठीक है एंड अगर नेगेटिव है सेम माइनस सेवन पॉइंट थ्री तो फिर क्या होगा कि जो पॉइंट के बाद लिखा हुआ है इसको वन में से सब कर दिया तो विल गेट जीरो पॉइंट सेवन ठीक है तो से माइनस इलेवन पॉइंट थ्री फोर सो दिस विल बी इसको हमने जीरो पॉइंट सिक्स सिक्स वन में से सबट्रैक्ट कर दिया ठीक है थर्ड पॉइंट इज से एनसीआर दिस इज नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग आर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स

नीचे फाइव फैक्टोरियल फिर एक और जो भी दोनों का डिफरेंस है फिफ्टीन फैक्टोरियल इतना आ जाएगा इसको आई कैन नॉट ऑल्सो राइट डाउन ट्वेंटी नाइनटीन एटीन सेवनटीन सिक्सटीन इन जो फिफ्टीन फैक्टोरियल आएगा वो कैंसिल हो गया तो अपॉन नीचे फाइव फैक्टोरियल ये ठीक है दैट मीन्स कि अगर ट्वेंटी सी फाइव लिखा है तो एक, -एक सब ट्रैक करके पाँच टर्म लिखो दैट इज़ एटीन सेवनटीन सिक्सटीन ये पाँच टर्म हो गए डिवाइड बाई फाइव फैक्टोरियल तो जैसे अगर मान लिया थर्टी टू सी थ्री लिखा है तो नीचे तीन लिखा है तो तीन टर्म ट्रैक्ट करके लिख लिया और नीचे तीन फैक्टोरियल ठीक है फिर एन सी आर का लिखने का तरीका क्या था ऊपर एन फैक्टोरियल लिखो नीचे वाले का नीचे फैक्टोरियल लिखा इसका फैक्टोरियल इसका फैक्टोरियल यहां और दोनों का डिफरेंस और लिखा एन माइनस आर फैक्टोरियल तो इस लॉजिक से एनसी एन माइनस आर भी यही आ जाएगा एन फैक्टोरियल लिखा नीचे वाले का फैक्टोरियल और दोनों का डिफरेंस जाएगा तो अब ये दोनों बराबर है दैट विल गिव यू एन सी आर बराबर एन सी एन माइनस आर तो अगर मान लिया मेरे को ट्वेंटी सी एट्टीन लिखना है तो एक हम ट्वेंटी लिख सकते हैं एटीन टर्म्स तक घटा के तो रादर देन डूइंग इट आई राइट फर्स्ट इस हिसाब से कि ट्वेंटी सी एटीन बराबर ट्वेंटी सी टू इन दोनों का डिफरेंस भी लिख सकते हैं फिर इसके हिसाब से अब दो टर्म लिखा घटा के अपॉन टू फैक्टोरियल आई होप दिस इज सफिशेंट ठीक फोर्थ फिर आ जाएगा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इसमें अब एक्स का माइनस वाई का ये सब तो एक्स प्लस वाई का होल क्यूब ये सब तो आई होप आता होगा एक्स रेस्ट टू पाएन माइनस वाई रेस्टू पाइन को आई कैन आई डाउन एक्स माइनस वाई एक्स रेस्टू पाइन माइनस वन फिर एक एक्स माइनस वाई का तो फैक्टर आएगा ही और एन ऑफ कोर्स नेचुरल नंबर है फिर एक्स का हमने पावर एक घटा के लिखा एन माइनस वन फिर एक्स का एक एक पावर कम करते गए ये ठीक है एंड वाई का इंक्रीज करते गए तो ऐसे करते करते लास्ट टर्म में आ जाएगा दिस ये ठीक है दिस इज वैलिड चाहे एन इवन हो चाहे ऑड हो और इफ एन इज ऑड देन ओनली प्लस वाला फॉर्मुला भी चल जाएगा एक्स रेस्टोपाइन प्लस वाई रेस्ट पैन विल बी एक्स प्लस वाई और यहाँ सेम लॉजिक ये ठीक है इसमें यहाँ पे माइनस था ये सारे टर्म पॉजिटिव हैं प्लस प्लस के साथ आएंगे मतलब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे प्लस आएगा और सेकंड ब्रैकेट में यूल गेट ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन प्लस एक्स माइनस एन माइनस थ्री इंटू वाई स्क्वायर माइनस एन माइनस फोर इंटू वाई क्यूब प्लस एंड ऑन एंड लास्ट टर्म विल बी प्लस वाई रेस्ट बाई एन माइनस वन ठीक है। इफ एन इज ऑड तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि फॉर्मूला वन में हमने एन वाई की जगह माइनस वाई रख दिया तो यहां से भी ये फॉर्मूला आ जाएगा ठीक है फिर थर्ड इज फैक्टराइजेशन अगर मान लिया एक्सटेज पा फोर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन लिखा है तो इसको आई कैन आई डाउन टू एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स स्क्वायर तो इसको आई कैन आई डाउन एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर

और उतना ही सब ट्रैक किया ऐसा करने से क्या होगा दिस विल बिकम परफेक्ट स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस टू वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई होल स्क्वायर सो दिस कैन बी रिटेन माइनस टू एक्स वाई इन टू एक्स स्क्वायर प्लस टू वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई तो जैसे इस तरह के फैक्टराइजेशन का कहाँ पे यूज आ सकता है इफ आई एम के नंबर ऑफ इंटीग्रल सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन तो अगर इस टाइप का कुछ आ रहा है एंड इफ मतलब इफ़ आई कैन गेट फैक्ट्राइजेशन और राइट हैंड साइड पर इफ आई कैन गेट एन इंटीजर तो उससे सॉल्व कर सकते हैं ये ठीक है कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो अभी आगे आ जाएगा फिफ्थ एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस थ्री एक्स वाई जेड ये तो आता होगा शायद एक्स प्लस वाई प्लस जेड इन टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स ये ठीक है सिक्स इसी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस जेड एक्स को हम लिख सकते हैं हाफ ऑफ एक्स माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स स्क्वायर ठीक है वेरीफाई करने के लिए दोनों तरफ से यू कैन ओपन It will give you a better feel.